Why trade in the stock market? Stock market में हमें trade करना ही क्यों चाहिए? What is the biggest motivation to trade in the stock market? So I'll be very brutal honest. The biggest motivation to trade in the stock markets is just money. It is just money. The biggest motivation to trade in the markets is money. अगर आप कोई service भी करते हो तो आप अपनी services trade करते हो for exchange of money. अगर आप कोई business भी कर रहे हो तो you are doing exchange of goods just for money. So the biggest motivation is to make money. इसलिए हम stock market में trade करते हैं. But then 90% जो लोग हैं स्टॉक मार्केट में लॉसेस करते हैं, पैसे नहीं कमाते हैं. वो क्यों ऐसा? बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग. तो ये जो थिन लाइन है वो कैसे क्रॉस कर सकते हो और कैसे आप अपना एज डेवलप कर सकते हो, इस वीडियो में हम इस बारे में बातें करेंगे. इनफैक्ट आपको बताऊं तो जब ये वीडियो लाइव में अभी आप लोग के लिए शूट कर रहा हूं और ऑलरेडी मेरा ट्रेड चल रहा है, मैं ट्रेडिंग अभी कर भी रहा हूं, तो आपको एक बार स्क्रीन पे आके दिखाता भी हूं. सो दिस इज द ट्रेडिंग विच आई एम डूइंग राइट नाउ. बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ. अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए जैसा प्रॉफिट दिख रहा है. और आज एक्चुअली RBI मॉनिटरी पॉलिसी का डे है. आज 7th of December है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए. तो इसके लिए फिलहाल ये जो एक ट्रेड है ये चल रहा है. और ये जो मैं ट्रेड लिया दोस्तों, ये मेरे साथ काफी दूसरे सारे लोगों ने भी लिया हुआ है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा आगे. तो अगर आप एक बिगनर है या आपने जस्ट अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया थोड़े टाइम पहले, तो ये वीडियो आपके बहुत काम करेगा. इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी कैसे रखनी चाहिए सही ट्रेडिंग के टाइम पे, आपको ट्रेडिंग एज अपना कैसे ढूंढना चाहिए, कुछ प्राइस एक्शन के जो थियरीज है उसके बारे में भी देखेंगे, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और मेरा एक सबसे फेवरेट जो इंडिकेटर है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आप अपना एज कैसे ढूंढ सकते हो. ट्रेडिंग भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. इक्विटी सेगमेंट है, फ्यूचर सेगमेंट है, ऑप्शन सेगमेंट है, ऑप्शन में भी ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन सेलिंग है, तो कौन सा हमें करना चाहिए, कितनी लेवरेज यूज करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो इट शुड बी अ फन वीडियो फॉर यू गाइज. तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं उससे स्टार्ट करना चाहूंगा, ट्रेडिंग एज. क्योंकि अगर आपके पास आपकी ट्रेडिंग में एक एज नहीं है आपकी ट्रेडिंग में, तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हो. बिकॉज ट्रेडिंग एज ही वो ऐसी चीज़ है जो एक ट्रेडर और एक गैम्बलर के बीच में डिफरेंस होता है. आपको ट्रेडर में से गैम्बलर में से अगर ट्रेडर बनना है, गैम्बलर में से ट्रेडर, तो ट्रेडिंग एज आपके पास होना बहुत जरूरी है. वरना आप ट्रेडर नहीं हो, गैम्बलर हो. क्योंकि अगर आपके पास एज नहीं है तो मार्केट के पास एज है ओवर यू. सो द पर्सन हु इज होल्डिंग द एज इन स्टॉक मार्केट इज नोन एज अ ट्रेडर एंड द अदर वन इज गैम्बलर. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो ट्रेडिंग एज कैसे डेवलप होता है उसके बारे में बात करेंगे. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफकोर्स ब्लाबला आपने बहुत सुना होगा, 1:2, 1:3, 1:5. बट देन प्रैक्टिकली जब आप ट्रेड करते हो, क्या वो उस तरीके से आपको डेली उतना रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो सकता है, क्या प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है, और नहीं हो सकता है तो कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम रिस्क रिवॉर्ड से ही बात करना शुरू करते हैं. एंड दिस विल नॉट बी द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो आपने हर जगह सुना है कि इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना चाहिए, 50% रेशियो विन रेट भी होगा तो पैसे बन जाएंगे. उस तरीके से मैं बात नहीं करने वाला हूँ. मुझे पता है एज अ ट्रेडर, मैं 10 साल से यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, 10 साल से ज़्यादा ही हो गए एक्चुअली. तो मुझे इसलिए पता है कि आप अगर कोई ट्रेड लोगे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखोगे तो ना ही आपका 2 अचीव होने वाला है, ना ही 1 का स्टॉप लॉस इंट्राडे में आपका मीटअप होने वाला है. तो आप उस दिन क्या करोगे, उसको कैसे मैनेज करोगे, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे. जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे. सो आई होप वीडियो में काफ़ी मजा आएगा गाइस. तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो ट्रेडिंग एज होता क्या है. तो ट्रेडिंग एज को समझने के लिए मैं आपको एक कैसीनो का एग्जांपल देना चाहूंगा, जो आगे भी एक्चुअली मैं एक वीडियो में समझा चुका हूं, वापस से वो एक बार यहां पे हम रिपीट कर देंगे, ताकि कैसीनो कैसे पैसे बनाता है, उसके पास क्या एज है वो आप समझ जाओगे, तो ट्रेडिंग में कैसे हमें एज ढूंढना है वो मुझे समझाना और ईजी हो जाएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैसीनो मेक्स मनी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ रूलेट टेबल. ये सपोज एक रूलेट टेबल है जिसमें दो ग्रीन है, जिसमें कि 00 रूलेट टेबल है ये. तो ये 00 रूलेट टेबल में कैसीनो पैसा कैसे कमाते हैं, सपोज कीजिए आप एक गैम्बलर है, तो इन अ 00 रूलेट टेबल इफ यू मेक अ स्ट्रेट बैट ऑन ऑड इवन रेड और ब्लैक, इसमें से आप किसी एक में लगा देंगे ऑड इवन में या रेड या ब्लैक में, तो रेड आएगा या ब्लैक आएगा, ऐसा ही होता है रूलेट टेबल में, या तो रेड आएगा या ब्लैक आएगा. पर आपने अगर नोटिस किया हो तो 2 जीरोज भी होते हैं, 1 जीरो और 1 00, जो कि ना ही रेड है ना ही ब्लैक है. अगर वो आएगा तो भी कैसीनो जीतेगा. लेकिन अगर आपने बैट किया रेड पे और रेड आया तो आप जीतोगे, अगर ब्लैक आया या ग्रीन आया या जीरो आया तो आप हार जाओगे दोस्तों. तो दिस इज द वे कैसीनो मेक्स. अब उसमें कैसीनो के पास क्या प्रोबेबिलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ. इफ यू हैव अ 47% चांस ऑफ विनिंग, क्योंकि टोटल जो नंबर्स हैं उसमें तो ये 50-50 बैट नहीं है दोस्तों, 2 जीरोज भी है इसमें, इसलिए आपके पास खाली 47.37% टू बी प्रिसाइज इतना विनिंग चांस है आपका. क्यों? क्योंकि रिमेंबर देयर इज ऑल्सो अ ग्रीन जीरो एंड 00 ऑन द व्हील. The house has a 52.63% chance of winning. तो दोस्तों कैसीनो के पास आपके ऊपर एक एज है, आपके पास जीतने के चांस है 47.37%, जिसको कि मैं एक बार 47% ही बोलता हूँ. कैसीनो के पास 52.63, जिसको 53 बोलेंगे. तो कैसीनो के पास 53% प्रोबेबिलिटी है वो जीतेगा, जो गैम्बलर है उसके पास खाली 47% प्रोबेबिलिटी है. तो अगर आप ये प्रोबेबिलिटी का एज निकालेंगे दोस्तों, तो ये होता है 5.26%.
कैसीनो के पास आपके ऊपर एक 5.26% एज होता है, वो एज स्टैटिस्टिकल एज है दोस्तों, ये प्रूवन स्टैटिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोई अपने थियोरी की बात नहीं है, मेरे मन की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स है। अब स्टैटिस्टिक्स में कैसा होता है कि ये अगर कैसीनो के पास अगर आपके ऊपर ये एज है, तो अगर आप अभी कैसीनो में जाएंगे रेड या ब्लैक पे किसी एक में लगाएंगे, तो या तो रेड आ सकता है या ब्लैक आ सकता है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। हो सकता है रेड पे लगाया रेड आ गया, वापस ब्लैक पे लगाया ब्लैक आ गया, फिर ब्लैक पे लगाया रेड आ गया, ऐसे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलते रहेगा। फिर आपने कभी रेड पे लगाया तो कभी ग्रीन आ गया, तो एक या दो बैट या पांच बैट में पता नहीं चलेगा दोस्तों कि कौन जीतने वाला है। लेकिन कंसिस्टेंटली जब ये व्हील घूमता रहता है और आप रेड या ब्लैक पे लगाते रहोगे, तो जब 1000 बैट हो जाएंगे दोस्तों, तो 1000 बैट में फाइनली कैसीनो ही जीता हुआ होगा, दैट इज फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि कैसीनो के पास आपके ऊपर एक एज है। वो एज कैसे डिसाइड होता है दोस्तों? अगर 1000 बैट आपने, सपोज करते हैं हमने 1000 रुपीस की 1000 बैट खेल ली, तो उसमें लास्ट में ये 1000 बैट का रिजल्ट हमेशा यही आना है कि 47000 रुपीस आपने जीते और 53000 रुपीस कैसीनो ने जीते, क्योंकि ये एक स्टैटिस्टिक्स है। लार्ज नंबर ऑलवेज गो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स। एक या दो बैट में लक काम आएगा दोस्तों, लेकिन जब एक लार्ज नंबर्स हो जाते हैं, एक कंसिस्टेंटली आप 1000 स्पेंस कर देंगे, तो जो एज है वो कैसीनो के पास है, वो स्टैटिस्टिकल एज है और वो हमेशा अपना काम करेगा, वो प्ले आउट होएगा ही। तो 47000 आपने जीते हैं, कैसीनो ने 53000, तो फाइनली आपने हर बैट में 47% टाइम्स आप जीत गए, तो 47 आपने जीते हैं और कैसीनो ने 53, तो इसका आप मैच करेंगे तो टोटल 6000 रुपीस कैसीनो ने जीता है आपसे, आप 6000 के लॉस में ही होंगे लास्ट में जब 1000 स्पिन हो जाएंगे दोस्तों। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स की बातें बता रहा हूँ दोस्तों, तो हमको ट्रेडिंग में भी स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकली ही काम करना है, प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में रखनी है, जिसको कि हम एज बोलते हैं। ये कैसीनो का जो एज है 5.62%, ये बहुत छोटा एज है दोस्तों, ट्रेडिंग में हमको बहुत बड़ा एज मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी में आगे बढ़ते हैं। कैसीनो कभी भी आपको ऐसी गेम नहीं खिलाएगा जिसमें आपके जीतने के चांस ज़्यादा हो और उसके जीतने के चांस कम हो, हमेशा उसके पास एज होएगा वही वाली गेम खिलाएगा दोस्तों। तो ये कैसीनो का ये जो रूलेट टेबल के जितने भी जो भी बैट्स होते हैं, वो सारे के मैंने एज यहाँ पे लिख दिया, आप रीड कर सकते हैं। तो हर एक में कैसीनो के पास आपके ऊपर एज है, कैसीनो से ज़्यादा एज आपके पास नहीं है, इसलिए लास्ट में गैम्बलर हार जाता है और कैसीनो जीत ही जाता है दोस्तों। तो दिस इज द थियरी बिहाइंड कैसीनो एंड गैम्बलर। तो हमको इस मार्केट में एज अ गैम्बलर नहीं काम करना है, एज अ कैसीनो काम करना है। अगर आप प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल एज को अपने फेवर में नहीं रखेंगे दोस्तों, तो लास्ट में जो गैम्बलर का होता है कैसीनो में हाल, आपका भी वही होगा स्टॉक मार्केट में। इसलिए आपको एक गैम्बलर की तरह ट्रेड नहीं करना है, एक कैसीनो की तरह ट्रेड करना है दोस्तों। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज, एज ट्रेडर्स अब हम स्टॉक मार्केट में अपना एज कैसे ढूंढ सकते हैं, तो उसके दो ही तरीके हैं। एक है ऑफकोर्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि हमारी जो बैट्स होती है उसमें हम जितना हारते हैं उससे हम ज़्यादा जीतने चाहिए, और एक दूसरा तरीका होता है विन रेशियो। और ये दोनों ही तरीके ऐसे हैं जिससे कि आप बना भी सकते हो पैसे और पैसे लॉस भी कर सकते हो, जा भी सकते हैं आपके पैसे। वो कैसे? मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है जो 90% विन रेशियो वाली है, लेकिन जब भी आप विन करते हो तब आप शायद 5000 रुपीस विन करते हो, लेकिन आप जब भी वो 10% टाइम्स पे लॉस करते हो, अगर आप वो 10% टाइम्स पे, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि सीधा 1,00,000 रुपये का लॉस करते हो, तो क्या ये स्ट्रेटेजी आपको काम आने वाली है? ये आप प्रॉफिट कर सकोगे? नहीं, क्योंकि अगर आप 9 ट्रेड्स लोगे 5000 के हिसाब से, आप 45000 रुपीस बना भी लोगे और एक ही ट्रेड में आप 1,00,000 रुपये का नुकसान करोगे, तो एट दी एंड तो आप 55000 रुपीस के लॉस में ही उतरोगे। अगर 90% विन रेशियो वाली स्ट्रेटेजी भी आपके पास है लेकिन उसमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, तो आपका यही होने वाला है कि आपके लॉसेज ही होने वाले हैं। और अगर कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में इसी को हम इन्वेस्ट करते थे, कोई आपके पास ऐसी स्ट्रेटेजी है जो खाली 20% टाइम्स पे ही विन करती है लेकिन उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है, अगर आप जब भी लूज करते हो तब आप 5000 रुपीस ही लूज करते हो, लेकिन आप जब भी 20% टाइम्स पे विन करते हो, 80% टाइम्स पे आप 5000 लूज करते हो, लेकिन 20% टाइम्स पे अगर आप 1,00,000 रुपये प्रॉफिट कर लेते हो 20% टाइम्स में, तो आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। दिस इज अ स्ट्रेटेजी जिसको कि हम प्रॉफिटेबल बोलेंगे, लेकिन ऑफकोर्स इसमें ड्रॉडाउंस होंगे छोटे छोटे और फिर अचानक से बड़ा प्रॉफिट आएगा, फिर ड्रॉडाउंस होंगे। तो ड्रॉडाउंस भी जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, जब भी एक ट्रेडर पैसा बनाता है तो 100% विन रेशियो तो किसी का होता नहीं है, इसलिए जो इक्विटी कर्व है वो कभी ऐसे ऊपर नहीं जाता है। हमारे भी पैसे बनते, थोड़े बने, वापस थोड़े लॉसेज हुए, थोड़े पैसे बने, थोड़े लॉसेज हुए, थोड़े बने, कभी बड़ा लॉस भी आ गया, फिर बड़ा प्रॉफिट भी हुआ,
थोड़े वापस से लॉसेज हुए और वापस से हम ऊपर गए, तो ये जो बीच में लॉसेज के पीरियड होते हैं दोस्तों, इसको हम ड्रॉडाउन बोलते हैं। और आप दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो, जब तक वो 100% अगर विन रेट वाली नहीं है तो ड्रॉडाउन आने ही आने हैं। दैट इज अ प्रूवन फैक्ट, स्टैटिस्टिकल फैक्ट है ये, कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। आप 99% विन रेशियो वाली स्ट्रेटेजी भी लाओगे तो वो 1% ऐसा टाइम आएगा जहाँ एक छोटा ड्रॉडाउन तो आएगा ही, तो ड्रॉडाउन तो आने ही है किसी भी ट्रेडिंग में। कोई भी अच्छा ट्रेडर होता है जब वो पैसे कमाता है तो ड्रॉडाउन्स तो आते ही हैं, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है कि अगर इस तरीके से आपका इक्विटी कर्व धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, आपके पैसे धीरे धीरे बन रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी। अब अच्छी स्ट्रेटेजी को आप डेफिनेशन कैसे दोगे, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास कोई 50% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी है, अगर उसका 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है तो आपके पैसे नहीं बनने वाले। लेकिन अगर यही स्ट्रेटेजी 55% विन रेट पे चली जाती है तो भी आपके पैसे बन जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी अगर 65% पे चली जाती है तो भी आपके पैसे बनेंगे। एक्चुअली मैं जो कुछ स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ मेरे स्ट्रेटेजी का, या मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ मेरा, जनरली आपको मैं बताऊँ तो 1:1.10 के आसपास का ही रिस्क रिवॉर्ड मुझे मिल पाता है। बट देन 65% विन रेट से मैं हमेशा चलता हूँ, जिस टाइप से मैं ट्रेड करता हूँ आपको। चलो मैं आपको मेरा लास्ट मंथ का PNL भी दिखा दूंगा। लास्ट मंथ में तो एक्चुअली क्या ही हम देख लेंगे, थोड़ा सा ही डेटा मिलेगा, 2-3 महीने का PNL देख लेंगे, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊंगा। तो उससे आपको ये चीज़ खाली, मुझे कोई शो ऑफ नहीं करना है मैंने कितना कमाया है नहीं कमाया, खाली आपको ये एक पॉइंट जो है मुझे समझाना है, इसलिए मैं अपना PNL दिखाता हूँ गाइस आपको। ज़ीरोधा के कंसोल पेज पे आ गए और आपको दिखाऊं, सबसे पहले तो आपको ये ID नंबर आपको दिख रहा है VIB048। आप मेरे जितने भी अगर वीडियोज़ देखते हो तो आपको हर वीडियो में ज़ीरोधा का एक पेज मैं दिखाता हूँ जहाँ पे प्रॉफिट्स ले रहा होता हूँ, वहाँ पे आपको ये सेम ID नंबर ही दिखेगा। और एक्चुअली आज बहुत लोगों को मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत लोग मुझे ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं कि हमेशा खाली प्रॉफिट्स होते हैं, इनको लॉसेज नहीं होते हैं, खाली प्रॉफिट्स के वीडियो आते हैं। तो ऑफकोर्स वीडियोस प्रॉफिट्स के आते हैं, बट देन लॉसेज भी होते हैं, भर भर के होते हैं, वो आज आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो एनीवेज मैं आपको इधर डेट दिखा देता हूँ, पिछले 3 महीने का हम एक बार देख लेंगे PNL। तो 1 सितंबर से 30 नवंबर जो लास्ट 3 मंथ्स हुए, क्योंकि दिसंबर का महीना अभी 7 दिसंबर ही हुई है, तो एनीवेज फिलहाल हम ये लास्ट जो इस दिसंबर से पहले के 3 महीने उसका PNL मैं आपको दिखा दूंगा। और ये कमोडिटी सिलेक्ट किया हुआ, इसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे तो ये मेरा PNL आ गया, जिसमें कि 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है और चार्जेस वार्जेस लगे और लगभग 19 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ है पिछले 3 महीने में, ऐसा हम बोल सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, तो आप बहुत जगहों पर ये सब स्क्रीनशॉट PNL के भी देखते हो, आजकल फेक स्क्रीनशॉट वाला भी बहुत सब चलता है, स्कैम नाटकबाजी, तो वो कैसे चलता है वो भी आपको बताता हूँ। इधर आप ऐसे पेज पे आके ये इंस्पेक्ट पे जाओगे तो जैसे ये आपको इधर 18 लैक्स दिख रहा है, तो इसको आप सिलेक्ट करके इधर आप चेंज कर सकते हो, आपको 18 नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा दिखाना है, अपने को तो 98 दिखाना है, 98 लैक्स प्रॉफिट है तो 98 लैक्स हो गया। लेकिन आप जैसे ही पेज को रिफ्रेश करोगे जो ओरिजिनलिटी है वो सामने आ जाएगी और ये वापस 18 लैक्स पे आ गया। और वो सब नाटकबाजी मुझे करनी नहीं है, तो मैं जो प्रॉफिट्स करता हूँ कम है ज़्यादा है वो मेरे लिए सफिशिएंट है। और मैं एक्चुअली बहुत रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ट्रेडिंग करता हूँ। आप मेरे का भी वीडियोस वो नहीं देखोगे कि यार 25 लाख प्रॉफिट, यार 50 लाख प्रॉफिट, हाईएस्ट प्रॉफिट 1 करोड़ प्रॉफिट, 2 करोड़ प्रॉफिट, क्योंकि 50 लाख अगर प्रॉफिट भी मुझे बनाना है तो मैं जिस टाइप का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करता हूँ, तो मेरे पास एटलीस्ट 20-25 करोड़ रुपये होने चाहिए ट्रेडिंग कैपिटल। अगर वो नहीं है तो 50 लाख में प्रॉफिट कभी किसी एक दिन में बना नहीं सकता। और आपको बता दूं, अगर 25 करोड़ मेरे पास प्रॉफिट हो, 25 करोड़ रुपये ट्रेडिंग कैपिटल होता तो आप मेरा यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख रहे होते, मैं बहुत ज़्यादा मज़े से सो रहा होता अपने घर पे। इधर ये एक तरफ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक तरफ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये सब करने की झंझट भी नहीं करता। बिकॉज आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मोटिवेशन क्या है, मनी है, और जब पैसा इतना आ ही जाएगा तो फिर मैं ये सब क्या करूँगा। तो इसलिए 25 करोड़ मेरे पास नहीं है कैपिटल, जो 2-5 करोड़ रुपये है उसको डिवाइड कर करके ट्रेड करते हैं। और आपको बताऊँ तो ट्रेडिंग में मैं जो यूज़ करता हूँ इक्विटी सेगमेंट में, मैं शायद 3 करोड़ रुपीज़ के आसपास इन्वेस्टेड हूँ, और 1.5 करोड़ के आसपास मैं यूज़ करता हूँ FNO ट्रेडिंग में, जो जिसका मैं आपको PNL दिखा रहा हूँ। अब इक्विटी का भी PNL दिखा सकता हूँ, बट देन वो कैसे इतने लॉन्ग टर्म बैठ सके, उसमें आपको सब अनरियलाइज ही दिखेगा, और रियलाइज में ज़्यादातर आपको रेड दिखेंगे, क्योंकि जो छोटे लॉसेस से दिख जाते हैं कि ये स्टॉक निकल जाना, तो उसमें हम जल्दी निकल जाते हैं, जिसमें नहीं निकले हैं वो होल्ड करते रहते हैं। तो वो भी चलो, कभी इक्विटी वाला भी हम पूरा एक वीडियो अलग से बनाएंगे, फिर इक्विटी का अच्छे से PNL दिखाऊंगा, तो ताकि मैं चीज़ें समझा सकूंगा, तब मज़ा आएगी। तो एनीवेज ये आप देख रहे हो 18 लाख रुपीज़ का PNL। अब मैं आपको जो दिखाना चाहता था, ये PNL नहीं दिखाना चाहता था कि कितना प्रॉफिट हुआ, उसको आप भूल जाओ, क्योंकि ये सब तो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉसेस सब चलते ही रहते हैं। तो इधर आप देखोगे तो जो लॉसेस देखने थे आपको वो मैं दिखाता हूँ, जूम कर करके दिखाता हूँ, बड़े बड़े लॉसेस दिखाता हूँ। तो प्रॉफिट्स भी करते ही हैं, लॉसेस भी करते हैं। इधर आप देख रहे हो
2,47,000 रुपीज़ का लॉस, इधर आप देखो 2,82,000 रुपीज़ का लॉस, इधर 13,000 का है 29,000 का लॉस, 1,59,000 का लॉस। लेकिन खाली लॉसेज नहीं लेते, साथ में ग्रीन डेज भी है। प्रॉफिट देखो 3,00,000 का प्रॉफिट, 1,19,000 का प्रॉफिट है, इधर 1,30,000 का प्रॉफिट है, 66,000 का प्रॉफिट है। तो अब ये एक एक आप प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे ऐसे आपको आइडिया नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसमें आप देख रहे हो उसको ही एग्जैक्टली देख देख के बनाइए। जैसे आप इधर देखोगे तो ये 13,447 का लॉस है, ये मैंने इधर ऊपर लिख दिया 13,447। तो ये जो लॉसेज है वो इस साइड पर लिख दिया, प्रॉफिट है वो इस साइड पर लिख दिया। अब आपको बताऊँ तो एग्जैक्टली ट्रेड कितना किया है मैंने, तो ये आप देखोगे ये है 27 और ये है 14, तो ये ऑलमोस्ट 41 होता है। 41 डेज मैंने ट्रेड किया लास्ट तीन महीने में। एग्जैक्टली दिन 41 नहीं होते हैं, ट्रेडिंग डेज भी आप देखोगे तो 60-62 के आसपास होते ही हैं, लेकिन उसमें से भी मैंने 41 डेज ही ट्रेड किया। बाकी के दिन ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि जब ट्रेड नहीं मिल रहा है या आपके फेवर का सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं करना भी ट्रेडिंग ही होता है। रोज ट्रेड करना जरूरी है ऐसा नहीं होता है। अब इधर आप मेरा टोटली मैं जो दिखाना चाहता हूँ रिस्क रिवॉर्ड कैसे आप निकालोगे, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करो तो मेरा ऐसा कोई ट्रेडर का ऐसा नहीं होता है कि आज 1,00,000 का नुकसान होगा या 1,50,000 का प्रॉफिट होगा तो मैं बंद करूंगा, क्योंकि मार्केट बहुत डायनामिक है दोस्तों। आपको मैं दिखाता हूं, एक एग्जांपल से समझाने की ट्राई करता हूं मार्केट कैसे डायनामिक होता है। कि हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि कोई स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है और यहाँ से उसका ब्रेकआउट हुआ, मैंने बाय किया और मेरा शायद यहाँ पे स्टॉप लॉस है और यहाँ पे आएगा तो मेरा टारगेट 1:5 का अचीव होगा, ऐसा अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ तो स्टॉक वहाँ पे जाके वापस इधर आके इंट्राडे में दिन पूरा हो गया थोड़ा सा प्लस में और ना ही ऊपर गया ना ही नीचे गया। तो ऐसे दिन भी आएंगे। आप रिस्क रिवॉर्ड रखोगे तो जरूरी नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया या प्रॉफिट हिट हो गई, या हो सकता है नीचे जाके आपके स्टॉप लॉस से थोड़ा रह गया और वापस से थोड़ा ऊपर आके बंद हो गया, तो छोटे लॉस में भी आपको पोजीशन बंद करनी पड़ेगी क्योंकि आपका दिन खत्म हो गया। इंट्राडे ट्रेडिंग है, ऑफकोर्स स्विंग ट्रेडिंग है तो शायद वो चीज़ हो सकती है, लेकिन उसमें भी स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लेकिन स्टॉक सीधा खुला गैप डाउन, तो आपने जो 1:1 के हिसाब से 1:1.5 के हिसाब से या 1:2 के हिसाब से जो भी ट्रेड लिया था वो हमेशा मैच होएगा ऐसा जरूरी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि स्विंग ट्रेड में गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो आप क्या करोगे, या आपका टारगेट इधर था हो सकता है बड़ा गैप अप हो गया और सीधे आपके टारगेट से भी बहुत ऊपर खुल गया तो बड़ा प्रॉफिट भी होएगा। तो ये अपने आपको इवन आउट कर देते हैं ऑन अ लॉन्गर रन, कभी गैप डाउन होगा तो कभी गैप अप भी होगा, और गैप डाउन होगा तो जरूरी नहीं है कि आपने बाय किया, हो सकता है आप शॉर्ट साइड की पोजिशन में हो और गैप अप हो गया तब हो सकता है कि आप, या जब गैप अप होएगा तो हो सकता है आप शॉर्ट साइड की पोजीशन में तो आपका फायदा नहीं हुआ उल्टा लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें अपने आपको इवन आउट करती रहती है। अगर आप एज अ ट्रेडर जो रोज एग्जैक्ट इतना मेरा जाएगा या इतना आएगा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जज करना या इस तरीके से ट्रेड करना। तो अभी इधर आप देखोगे गाइस तो ऑलमोस्ट आपको मैं ये दिखाऊं तो 27 डेज मेरा विन हुआ है और 14 डेज लॉस हुआ है। इसका मतलब क्या होता है आप शायद कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स 65% मेरा विन रेशियो आया है पिछले 3 महीने में, मेरा 65% विन रेट है। लेकिन 65% विन रेट तो आ गया पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है वो कैसे पता चलेगा। तो आप देखोगे तो किसी दिन 6,000 का प्रॉफिट हुआ है, किसी दिन 2,50,000 का भी हुआ है, किसी दिन 72,000 का हुआ है, किसी दिन 74,000 का हुआ है। तो ये जो पूरा प्रॉफिट की लिस्ट है इधर आप देखोगे 38,50,000 का प्रॉफिट हुआ है और इसको मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ 27 डेज से तो एवरेज मेरा 1,42,000 जो विनिंग डे है उसका एवरेज प्रॉफिट है 1,42,000 और जो लूजिंग है उसका बताऊं तो डिवाइड बाय करेंगे हम 14 तो एवरेज जो लूजिंग ट्रेड है मेरा एवरेज लूजिंग डे, क्योंकि कभी 4,000 का ही लॉस हुआ है लेकिन उसके सामने कभी 2,40,000-50,000 का भी लॉस हुआ है तो एवरेज लूजिंग डे 1,31,000 का है। तो रिस्क रिवॉर्ड आप देखोगे तो बहुत नॉर्मल सा है मेरा, बट देन मैंने फिर भी इधर आप देखोगे 20,00,000 रुपये ये कैसे बनाए, 19,00,000 रुपये तो वो ऐसे बनाए दोस्तों 3 महीने में कि यहाँ पे मेरा विन रेशियो अच्छा है, मतलब 1/3 ऑफ द डेज में लॉस करता हूँ और 2/3 ऑफ द डेज में अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट करता हूँ। इधर आप देखोगे तो शायद ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं कि आई डोंट नो ऐसा मैच होएगा कि नहीं होएगा, करके देखते हैं कि ये जितने भी लॉसेस हैं ये है 1,18,34,000, शायद 14 दिन का मेरा प्रॉफिट कितना है वो हम देख लेते हैं। इसको सम करने की ट्राई करते हैं तो ये जो पहले 14 दिन जो मेरे को प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ था तो वो ऑलमोस्ट 19,00,000 है। तो ये जितना लॉसेज है वो मेरे ये पहले 14 डेज जो लॉसेज है दोस्तों, ये 14 डेज एक साथ लॉस नहीं है, आप देख रहे हो बीच बीच में अलग अलग दिन पे, और आपको बता रहा हूँ जो लूजिंग डेज हैं उतनी विनिंग डेज उसको एवरेज आउट कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा मेरे विनिंग डेज हैं
वो एक्चुअली मेरा प्रॉफिट है जो आपको इधर दिख रहा है स्क्रीन पे। तो इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड आप रखोगे तो हमेशा वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट चलेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड में भी ऊपर नीचे होते ही रहेगा, बट देन एक एक्सपेक्टेंसी होती है। तो मुझे इतना पता है कि लास्ट में 60-65% विन रेट मेरा आ जाता है, और एवरेजली मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ तो जो लूजिंग ट्रेड है उससे एवरेज मेरा विनिंग ट्रेड थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो बस वो एक एज है मेरा। इस तरीके से आपको अपना एज ढूंढना होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। और दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मेरे ट्रेड्स हैं, मैं एवरी सिंगल डे ट्रेड करता हूँ, मेरे कोर्स मेंबर्स के साथ ट्रेड करता हूँ, डिस्कॉर्ड सर्वर में मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो सारे शेयर करता हूँ, और वो भी मेरे साथ सेम ट्रेड्स करते ही हैं, क्योंकि मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ वो मैं कोर्स में सिखाता हूँ, और वो सेम मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूँ और वो भी सेम उस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो ये जो मेरा प्रॉफिट आप देख रहे हो 3 महीने में हुआ है, तो ऑफकोर्स कैपिटल अलग अलग होती है, लॉट साइज अलग अलग होती है, बट देन कहीं ना कहीं जो मेरे को इस तरीके से फॉलो किया तो वो भी पिछले 3 महीने में कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रहे होंगे। और फिलहाल तो मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली मेरा जो एक ट्रेड चल रहा है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, वो मेरा अभी कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ करने का टाइम आ गया, तो उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं और फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी दोस्तों आपको। एंड गाइस जो आप लोग के मैंने स्टार्टिंग में पोजीशन डिस्कस की थी, जो मैं पोजीशन चल रही थी, तो वो अभी कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ करने का टाइम आ गया है। सो इट्स टाइम कि अब मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूँ। तो फिलहाल मैंने अपने मोबाइल में बास्केट ऑर्डर्स ओपन कर लिया, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। एक्जैक्टली 256 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, 256-257 का, और इसको एक्चुअली क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैं बास्केट ऑर्डर्स मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं एग्जिट करने के लिए। तो मैं एक साथ पूरे बास्केट ऑर्डर्स में ही स्वाइप करूंगा तो एग्जिट हो जाएगा। एंड गाइज मैं पर्सनली ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ किए, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म लगभग इंडिया में और कोई नहीं है। दूसरे प्लेटफॉर्म में शायद फ्री में अकाउंट ओपन हो जाता है, यहाँ पे 200 रुपये शायद चार्ज लगेगा आपको अकाउंट ओपन करने का, बट देन 200 रुपये कोई किसी को फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मुझे आज तक लगा है वो ज़ीरोधा ही लगा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको आप क्लिक करके अपना अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड, अगर आप बिगनर हो आपको अकाउंट ओपन करना ही तो ज़ीरोधा सबसे अच्छा है, जो मेरी रिकमेंडेशन है। और ये कोई पेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं दिल से बता रहा हूँ, जो मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ किए इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को ज़ीरोधा ने पैसे नहीं दिए वीडियो में ये चीज़ बोलने के लिए। सो एनीवेज इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं बास्केट ऑर्डर एंड ओके गाइस, तो पोजिशन तो मैं स्क्वायर ऑफ कर ली है, और अगर आपको मैं अभी दिखाऊँ तो एग्जैक्टली हम लोग को 253 का प्रॉफिट बुक हुआ फाइनली। होता क्या है, तो टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट्स होते हैं उसकी स्टडी होती है, और उस पर से हम जजमेंट निकालने की ट्राई करते हैं कि कौन सा स्टॉक अप जा सकता है, कौन सा डाउन आ सकता है, और 100% आप एक्यूरेट कभी नहीं हो सकते हो। 60-65% भी अगर आप एक्यूरेट हो जाते हो तो अच्छे पैसे बनाने लग जाओगे स्टॉक मार्केट में। तो बहुत सारे जो डिफरेंट मेथड्स हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले एक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्राइस जाता है हायर हाईज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो एक अप ट्रेंड में है, इससे एक ट्रेंड की पहचान होती है। और जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो आपको अपसाइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, कैसे कब उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाय करने की, ताकि आपके बाय करते और ऊपर जाए तो वो हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, उसको हम एक एज बोलते हैं जो हमारे पास है। कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और कोई छोटा पुलबैक आया वापस से ऊपर जाने लगा, तो यहाँ से अगर मैं बाय करूँगा तो प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ से और ऊपर जाएगा और मेरे को प्रॉफिट मिलेगा वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ से घूम के नीचे मेरे स्टॉप लॉस पे जाएगा वो प्रोबेबिलिटी कम होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने बाई किया तो 100% ऊपर जाना ही चाहिए, पर एक जो ट्रेंड चल रहा होता है तो वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, दैट इज़ अ 60% प्रोबेबिलिटी, मिनिमम 60% है, और 40% ही प्रोबेबिलिटी होती है कि ट्रेंड वहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। वो 40 भी नहीं होती, एक्चुअली उससे कम होती है, पर मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूँ, इतनी 40% मिनिमम, 40% से ज़्यादा नहीं होती उसकी एक्यूरेसी। तो हमें 40% एक्यूरेसी वाला काम नहीं करना है दोस्तों। वो क्यों नहीं करना होता है, बहुत लोग अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करने की ट्राई करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जब मिलेगा तब बड़ा मिलेगा, तो होता क्या है उनके साथ ज़्यादातर केस में, आपको मैं वो बताता हूँ कि स्टॉक जब एक अप ट्रेंड में होता है दोस्तों, तो आप उसको हमेशा जैसे ये गिरने लगेगा आपको लगेगा ये गिरेगा, आप जैसे सेल करोगे वापस से घूम के और ऊपर जाएगा, फिर गिरने लगा तो आपको लगेगा अब ये क्रैश होने वाला, आप जैसे सेल करोगे घूम के ऊपर जाएगा, सेम सिनेरियो बार बार होते रहेगा, और आपके 3-4 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, तो चौथी बार यहाँ पे आपको जब ये मिलेगी अपॉर्चुनिटी तो आप सेल करने के हिम्मत भी नहीं बची होगी, और एक्चुअली तब फिर वो धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में हो सकता है ट्रेंड शिफ्ट हो जाए। और जब 3-4 स्टॉप लॉस हो गए होते हैं और जब आपने अगर ये ट्रेड ले भी लिया तो साइकोलॉजिकली ये बहुत लंबा आप होल्ड भी नहीं कर पाओगे, छोटा सा प्रॉफिट देखते ही आप निकल जाओगे क्योंकि आपने बहुत लॉस खाया हुआ है। तो साइकोलॉजी भी बहुत मैटर करती है, साइकोलॉजी भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कैसे आपने आपको काम रखना है और साइकोलॉजी कैसे मेंटेन रखनी है। तो ये एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। मार्केट स्ट्रक्चर में जो मार्केट जिस तरफ जा रहा है उस ट्रेंड के साइड पे ही ट्रेड करने में आपके
हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स निकलते हैं, और जिसको हम मार्केट में अपना एक एज ढूंढना बोलते हैं। तो आपको एज ढूंढना है तो आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना होता है, और ट्रेंड की भी बहुत सारी डेफिनेशन है, और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस तक भी डेफिनेशन है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मैंने एक्चुअली यूट्यूब पर वीडियो बनाया हुआ भी है, पोस्ट किया हुआ है, तो आप वही चैनल पर जाकर उसको ढूंढ सकते हैं, उसको भी वॉच कर सकते हैं, काफ़ी कुछ उसमें से भी सीखने मिलेगा। और जो दूसरा बहुत ही सो कॉल्ड मेथड आजकल जो बहुत ज़्यादा हर जगह किसी से बात करो तो वो एक ही बात करता है, प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन एक्चुअली तो किसी भी टाइप की ट्रेडिंग जो आप चार्ट पे प्राइस को देख के एक अपना डिसीजन लेते हो उसको हम प्राइस एक्शन बोलते थे, पर धीरे धीरे डेफिनेशन आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे प्राइस एक्शन की अब दो तीन ही हो गई है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस को प्राइस एक्शन बोला जाता है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है कि जब कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा होता है, जहाँ से रिवर्सल लेता है और वहाँ पे वापस से अगर वो आता है तो दैट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से रिजेक्ट होकर वो वापस से नीचे जाएगा, ये एज अ रेसिस्टेंस काम करता है। और उसी स्टॉक का जो नीचे का एरिया होता है वो एज अ फ्लोर काम करता है। तो यहाँ पे अगर ये स्टॉक आएगा तो दैट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से वापस से ऊपर जाएगा, और इस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वर्क करता है। और जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के सिवा दूसरी जो चीज़ें होती है प्राइस एक्शन में वो होती है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस क्या होती है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और बाकी ये प्राइस एक्शन का पूरा एक घंटे का अलग से एक पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे पोस्ट किया हुआ है। आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो को भी जाके देख सकते हो, या चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा ताकि आप उसको जाके देख सकते हो। ऑलरेडी उस पर 1.5 लाख व्यूज़ आए, काफ़ी लोगों ने देखा है, पसंद किया, तो आप भी जाके देखोगे, आपको भी उसमें से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेगी। सो ट्रेंड लाइन क्या होती है दोस्तों कि जब कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो उसके जो नीचे के हायर लोज होते हैं उसको ऐसे कनेक्ट करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन बनती है। और फिर ट्रेंड लाइन का ऐसा बोला जाता है कि स्टॉक जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आएगा तो दैट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से वापस से बाउंस बैक होकर ऊपर जाएगा। सो इस तरीके से ट्रेंड लाइन की भी प्रोबेबिलिटीज निकाली जाती है। और प्राइस एक्शन एक्चुअली ये जो ट्रेंड लाइंस है और ये सपोर्ट रेसिस्टेंस है, ये सीखने में या देखने में जितना आसान लगता है, आप जब चार्ट्स प्लॉट करोगे तो तब इतना आसान नहीं होता है, दो चार कैंडल आगे पीछे हो जाती है और उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, कितनी बार आप बिना मतलब स्टॉप लॉस ले लेते हो ऐसा आपको लगेगा। सो एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दिया। फिर आते हैं चार्ट पैटर्न्स, जो कि आप सोशल मीडिया पर प्राइस एक्शन के बारे में बात करोगे तो अब मैक्सिमम आप वीडियोज़ देखोगे तो उसमें आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में बहुत कुछ दिखाया जाता है, बट देन चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा रिलायबल स्ट्रैटेजी ऐसा मेरे को तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं इतने सालों से ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे उससे ज़्यादा एज काफ़ी दूसरी चीज़ों में लगता है। प्राइस एक्शन से तो बहुत ज़्यादा एज आपको जो चार्ट पैटर्न्स है उससे, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स बहुत बार क्या होते हैं दोस्तों, आपको क्या बोलते हैं, दिखते कुछ और है फिर बनते कुछ और है और उसको बैकटेस्ट नहीं कर सकते हम। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले चार्ट पैटर्न्स होते क्या है, तो आपने देखे होंगे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक होता है, और वो प्राइस एक्शन की जो वीडियो मैंने आपको बताया उसमें मैंने ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जितने भी चार्ट पैटर्न्स है हर एक के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो उसमें कैसे टारगेट निकालते हैं, कैसे स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, वो सारी चीज़ें भी उसमें मैंने एक्सप्लेन करने की ट्राई की है कि प्राइस एक्शन में चार्ट पैटर्न्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न होता है, फिर एक फ्लैग पैटर्न होता है जिसमें कि स्टॉक ऊपर से रैली करता हुआ आ रहा होता है, नीचे से सॉरी ऊपर आ रहा होता है और फिर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता है और फिर ब्रेकआउट करके निकल जाता है। तो इस टाइप के पैटर्न को हम कहीं ना कहीं फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग नाम दे दिए हैं पैटर्न्स को, बट जितने भी पैटर्न्स हैं मैक्सिमम पैटर्न्स ट्रेंड लाइंस यूज़ करते हैं, और इस टाइप के फ्लैग के डिज़ाइन में आपको देखेंगे फ्लैग अलग अलग बन सकते हैं। हो सकता है कोई स्टॉक रैली करके आया, वो ऐसे कंसोलिडेट होकर ऐसे निकलेगा तो ये इस टाइप का फ्लैग बन जाएगा, कोई फ्लैग बनेगा वो ऐसा बनेगा कि जिसमें स्टॉक नीचे से ऊपर आया और फिर इसके अंदर से यहाँ से ब्रेकआउट करके निकल गया। कोई जो फ्लैग बनेगा वो ऐसा भी बनेगा दोस्तों कि जिसमें स्टॉक नीचे से ऊपर आया और फिर ऐसे हायर हाई तो हाई लोज बनाते हुए ब्रेकआउट करके और ऊपर निकल गया। सो पैटर्न्स में आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे, वो भी उस वीडियो में मैंने अच्छे से पूरा कंप्लीट समझाया है, उन्हें ट्राई किया। इनफैक्ट चार्ट पैटर्न्स का भी एक अलग से वीडियो बना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो भी जाके विजिट कर सकते हो, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखने को मिलेगा। बट चार्ट पैटर्न्स में एक्चुअली इल्यूजन्स बहुत होते हैं। कैसे इल्यूजन्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बैकटेस्ट आप जब करोगे तब आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी, बट देन जब चार्ट आप ट्रेड कर रहे होगे तब आपको दिखेगा ऊपर से स्टॉक ऐसे गिरता हुआ नीचे आएगा और फिर कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन बनाएगा, तो आपको ये लगेगा कि ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो गया। और जैसे ही आप बाय करोगे तो ये स्टॉक वापस से अपने ये जो प्रीवियस लोज हैं उसको तोड़ देगा और नीचे चला जाएगा। तो फिर बाद में आपको ये कहीं ना कहीं जो स्टॉक होएगा दोस्तों वो फॉर्मेशन में बाद में आप प्राइस एक्शन यूज़ करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये ऊपर से गिरता हुआ है, एक ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल में नीचे सपोर्ट को ब्रेक किया और फिर फाइनली नीचे गया, लेकिन पहले आपको डबल बॉटम दिख रहा था। तो इस टाइप के इल्यूजन्स भी होते हैं। फिर किस टाइप के दूसरे इल्यूजन्स होते हैं वो आपको बताता हूँ कि ऊपर से स्टॉक गिरता हुआ नीचे आ रहा है और फिर वापस से ऊपर जा रहा है और फिर फाइनली इसने इधर अपने
इस टाइप के लेवल का ब्रेकआउट कर दिया और नीचे से ये डबल बॉटम टाइप का पैटर्न आपको दिखेगा या कोई दूसरा ट्राइंगलर पैटर्न आपको दिखेगा कि स्टॉक ऊपर से आया, ऐसा ट्राइंगल बनाया और यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन फिर आप जैसे ही जाके यहाँ पे बाय करोगे तो वापस से ये स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देगा और फिर आप जब चार्ट बनाओगे तब आपको ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी दिखेगा कि हाँ ये हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न था, इसके लिए ये वर्क किया। लेकिन आप बहुत बार इस टाइप के फेक पैटर्न्स में, फेक ब्रेकआउट्स में कहीं ना कहीं ट्रैप होते रहोगे। तो चार्ट पैटर्न्स को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अपना एज नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं इतना ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स को यूज़ नहीं करता हूँ गाइज। सो दिस वॉज समथिंग ओवर यू जो प्राइस एक्शन है। तो इस तरीके से हम अपना एज ढूंढते हैं। फिर बहुत सारे इंडिकेटर्स भी आप जाके देखोगे तो इंडिकेटर्स सेक्शन में आपको किसी भी ब्रोकर के टर्मिनल मिल जाएंगे, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स के बारे में मैं धीरे धीरे सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा, काफ़ी इंडिकेटर्स को कौन से इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना चाहिए, पर जो एक मेरा फेवरेट है मैं उसके बारे में फिलहाल बात करता हूँ। ऐसे रैंडमली मैंने कोई एक चार्ट खोल लिया है और ये 200 मूविंग एवरेज है दोस्तों, ये EMA बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज क्यों? क्योंकि 200 मूविंग एवरेज दुनिया में बहुत बड़े बड़े हेज फंड ट्रेडर्स, बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स है वो लोग भी यूज़ करते हैं। 200 EMA ऐसी चीज़ है कि एक समझ लो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा ट्रेडर भी यूज़ करना पसंद करता है। और 200 मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस को मैं पर्सनली थोड़ा सा ज़्यादा समझता हूँ, मुझे 200 मूविंग एवरेज पे ट्रेड करना ज़्यादा पसंद आता है। और 200 मूविंग एवरेज को मैं कैसे यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हमें ढूंढना है एज अपना मार्केट में, तो जब भी प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब हम कभी भी शॉर्ट सेल का ट्रेड नहीं लेते हैं और वो स्टॉक ऊपर जाएगा ऐसा ही अपॉर्चुनिटी का ट्रेड लेते हैं। अब वो अपॉर्चुनिटी आपको फिर प्राइस एक्शन से ढूंढनी की कैसे ढूंढनी है वो आपकी मर्जी है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आप कभी भी इसको कोई भी टाइप का प्राइस एक्शन यूज़ करके आपको शॉर्ट सेल नहीं करना है कि ये सपोज करते ये एक ऐसा इधर एक आपको ये सेटअप दिख रहा है जिसमें कि आपको दिखेगा ये रेसिस्टेंस था, वापस यहाँ पे आया और यहाँ से ये रेसिस्टेंस से रिवर्स हो रहा है। आप अगर जाके यहाँ पे शॉर्ट सेल करने की ट्राई करोगे कि नीचे आएगा तो प्राइस ऊपर चला गया, क्योंकि जो बेसिक ट्रेंड है दोस्तों वो आपको 200 EMA बता रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो इसका मतलब ये अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में हमें खाली अप ट्रेंड की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ती है। फिर उस वक्त आप अगर अप ट्रेंड की अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे तो शायद आपको लगेगा प्राइस एक्शन भी अच्छे से वर्क कर रहा है। आप इस टाइप का कोई अगर ट्राइंगुलर पैटर्न देखोगे चार्ट पे कि ये एक पैटर्न मिला और ये पैटर्न का ब्रेकआउट है, ओवरऑल ट्रेंड भी अप है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस, तो ये ऊपर जाएगा, दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। इस तरीके से 200 मूविंग एवरेज को भी आप यूज़ कर सकते हो अपने एनालिसिस में, जिससे कि आपको ट्रेंड पता चल जाता है। ट्रेंड होते हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। तो 200 मूविंग एवरेज ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जब साइडवेज होएगा तो प्राइस को आप देखोगे तो नॉर्मली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे घूम रहा होगा। 200 मूविंग एवरेज प्राइस के बीच में कहीं ना कहीं होगी अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन जब क्लियर कट प्राइस 200 EMA के ऊपर है तो इसको हम एक अप ट्रेंड ही कंसिडर करते हैं। और जब क्लियर कट 200 EMA के नीचे होता है, जैसे आपको कोई एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ खाली दिखाने के लिए, तो उसके स्लोप के डायरेक्शन से भी आपको ट्रेंड का पता चलेगा दोस्तों। इधर आप देखोगे तो 200 मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे है और स्लोप भी 200 मूविंग एवरेज की जो है वो नीचे की तरफ फेस कर रही है, तो इसको हम एक डाउन ट्रेंड बोलते हैं। फिर जब 200 EMA के प्राइस ऊपर, ये देखो ये साइडवेज है, ये ऊपर नीचे जो घूम रहा है प्राइस 200 के, इसको हम साइडवेज जोन बोलते हैं। और फिर यहाँ से जब क्लियर कट आपको दिख रहा है कि 200 EMA के ऊपर है तो ये पूरा एक अप ट्रेंड होता है। तो अप ट्रेंड में फिर आप किसी भी टाइप का चार्ट पैटर्न बना लो कि भाई ये यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मैं सेल करूँगा, जैसे सेल करोगे घूम के वापस ऊपर निकल जाएगा। लेकिन इसी सिनेरियो को अगर आप उल्टा देखोगे कि आप अप ट्रेंड है तो हमें खाली अप ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, फिर कोई भी टाइप का चार्ट पैटर्न बना लो उसका ब्रेकआउट भी देखोगे, तो धीरे धीरे आपके पास वो एज तो होगा कि एटलीस्ट डायरेक्शन वाइज आप सही ज़्यादा हो सकोगे, दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। तो यहाँ से वापस ये ऊपर जाएगा, दैट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। ऐसा ट्रेड लोगे तो ये ट्रेड में आपके पैसे बनने के चांस वापस ज़्यादा हो जाते हैं। इधर आप देखोगे तो 200 EMA फ्लैट हो गई है, ना ही अप स्लोपिंग है ना ही डाउन स्लोपिंग है, प्राइस उसके ऊपर नीचे घूम रहा है। इसका मतलब ये साइडवेज है, ये साइडवेज है इस टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो ऑफकोर्स दिस इज़ वन ऑफ द सेटअप 200 EMA जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको भी इसके बारे में देखना चाहिए। और 200 EMA के बारे में भी दोस्तों मैंने एक डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बना के रखा हुआ है मेरे YouTube चैनल पे, तो आप जाके वो भी विजिट कर सकते हैं। सो दिस वाज सम थिंग्स जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में आपको जो करना होता है दोस्तों वो अपना खाली एज ढूंढना होता है। और एक बार आपको अपना एज मिल गया, आपका विन रेशियो 65% के ऊपर आ गया, तो खाली छोटे से छोटा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड भी आपको धीरे धीरे पैसे बना के देता है। वो मैंने आपको दिखाया भी कैसे बना के देता है, मेरा खुद का PNL भी 3 महीने का खोल के आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने की ट्राई की। जो भी है सिस्टम आपको एक बनाना है या जैसे भी ट्रेड करना है, ट्रेडिंग में आपको एक एज होना ज़रूरी है। एज अगर आपको मिल गया तो आप बहुत ईजीली पैसे कमा सकते हो ट्रेडिंग से। अब मैं फाइनली एक और आपको तरीका बताता हूँ। बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे। एक इंडिकेटर होता है MACD इंडिकेटर, तो उसमें आप देखोगे तो ये क्रॉसओवर्स होते हैं ऊपर और नीचे। तो हमें जो
जीरो लाइन जो इसको बोलते हैं, बीच में जीरो लाइन होती है, उसके ऊपर वाले क्रॉस ओवर और उसके नीचे वाले क्रॉस ओवर को ही फोकस करना है। तो इस तरीके से भी हम एक सिस्टम बना सकते हैं, तो वो सिस्टम मैं आपको कहीं ना कहीं आप समझाने की ट्राई करता हूँ। ऐसा तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो ये कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एज अ बिगनर हो आप ट्रेडर, तो आपको कहाँ फोकस करना है, कैसे करना है। जो रैंडमली कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं ये वेदांता स्टॉक लिया हमने, अब इसमें आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके भी अपना एज निकाल सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करते हैं ये वेदांता का वीकली का चार्ट है, आप वीकली के चार्ट में अगर देखोगे तो इधर नीचे से ये MACD इंडिकेटर ने क्रॉसओवर दिया था कि अब ये यहाँ से बुलिश हो सकता है। तो अगर ये यहाँ से बुलिश हो सकता है, और जो क्रॉसओवर चला था वो कहाँ तक चला था, वो यहाँ तक चला था, यहाँ से वापस नेगेटिव क्रॉसओवर बन गया था। तो ये इतने पीरियड में आपको वीकली चार्ट में ये कुछ थोड़े बार्स दिख रहे हैं, लेकिन अब आप अगर 1 आवर के चार्ट पे आ जाओगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखेगी। अब वीकली चार्ट पे अगर अप ट्रेंड दिखा रहा है MACD इंडिकेटर, इसका मतलब बुलिश हो सकता है मार्केट, तो हम 1 आवर के चार्ट में खाली बुलिश अपॉर्चुनिटीज सर्च करने की ट्राई करेंगे। तो क्या होता है आपको वो बताता हूं, और हम ऐसा समझ लेते हैं कि हम रिस्क रिवॉर्ड 1:1 ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं रखेंगे। ओके, तो ये रहा वो एरिया जिसको कि हमने हाईलाइट किया था। आई डोंट नो 1 आवर के चार्ट्स इतने अवेलेबल भी है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ तक का ही लोड हुआ है। ओके, हो रहा है लोड, या ठीक है। तो अब ये वाला जो एक फेज था जिसमें कि MACD वीकली पे अप ट्रेंड में था, तो अब हम आ जाते हैं डेली टाइम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो कि एक छोटा टाइम फ्रेम होता है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप आके देखोगे, तो जैसे इधर आप इस एरिया में देखोगे तो आपको बुलिश क्रॉसओवर मिला है, और इस एरिया से बुलिश वापस से मार्केट ऊपर गया, इधर हम बोलेंगे एक बुलिश क्रॉसओवर मिला, ये वापस से ऊपर गया, और इधर हम बोलेंगे एक बुलिश क्रॉसओवर मिला, यहाँ से शायद थोड़ा नीचे आया और फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, और सेकंड टाइम वापस से बुलिश क्रॉसओवर मिला और फिर वापस से ऊपर गया। तो ये ऐसा हम बोल सकते हैं एक इधर स्टॉप लॉस शायद आपका हुआ होगा। हम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ही रख रहे हैं, जो भी जो प्रीवियस स्विंग लो होगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे स्टॉप लॉस, और उतना ही टारगेट कंसिडर कर लेंगे। इस स्टेप से भी अगर आप ट्रेड करते हो, इधर वापस से क्रॉसओवर मिला और यहाँ से ये ऊपर गया, इधर वापस से ये क्रॉसओवर मिला और यहाँ से ये वापस से ऊपर गया, और ये जीरो लाइन पे ही एग्जैक्टली, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, इधर वापस से क्रॉसओवर मिला और यहाँ से नीचे आया, ये एक स्टॉप लॉस वापस से हिट हुआ, वापस अगेन इसके बाजू में से ये क्रॉसओवर मिला इधर से और फिर ऊपर गया वापस से, इधर एक क्रॉसओवर मिला और फिर ये ऊपर गया, और यहाँ से फिर वीकली टाइम फ्रेम में ही क्रॉसओवर हमें देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज हो गया था। तो ये पूरे सिस्टम में आप देखोगे जो अगर ये पूरा जो एक टाइम था जो कि मई से लेकर अक्टूबर, इसमें ये सारे ट्रेड अगर आपने लिए होते तो ये एक विन था, ये विन था, ये लूजिंग ट्रेड था, ये विन था, ये विन था, और फिर इधर एक लूजिंग ट्रेड था, ये विन था, ये विन था। तो इसमें आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 विनिंग ट्रेड्स थे और 2 लूजिंग ट्रेड्स थे। इसका मतलब टोटल 6 out of 8 ट्रेड्स आपके विनिंग ट्रेड थे, जिसमें 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड हमने रखा था। तो ये कितना हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 75% का विन रेशियो हो गया गाइस, ये 75% का विन रेशियो हो गया। सो अगर आपके पास 75% का विन रेशियो, तो 1:1 में भी पैसे बन सकते हैं। ये एक एज होता है, ऐसे आपको एज ढूंढना है। ये मैं आपको एक सिस्टम खाली बता रहा हूँ, ये मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, पर आपको बैक टेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। तो जैसे, और ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में यूज़ होती है, ये खाली वीकली और 1 आवर के लिए बताया, ऐसा नहीं है। जैसे आपको मैं कोई और रैंडम स्टॉक, चलो पिक कर लेते हैं अपने, और फार्मा पिक कर लेते हैं, और इसका मंथली का चार्ट ओपन करते हैं। चलो अपने दूसरे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये और फार्मा का मंथली का चार्ट है गाइस। तो मंथली के चार्ट में इधर हम देखते हैं सबसे पहले, ओके, इधर से हमें नेगेटिव क्रॉसओवर मिला था एक्चुअली, पर ये अप ट्रेंड में कोई चल रहा है तो उसको हम नेगेटिव में जल्दी देखते नहीं है, उसको हम इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन अप ट्रेंड के टाइम पे जब बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस तरीके से हम देखते हैं। अब ओवरऑल आप इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ से ऑफकोर्स ऑरो फार्मा काफ़ी गिरा है, पर ये मंथली चार्ट में एक अप ट्रेंड में ही है, इसलिए हम उसको शॉर्ट सेल की तरफ नहीं देखते हैं। वो भी एक पार्ट होता है कि अगेंस्ट द ट्रेंड आपको ट्रेड नहीं करना है। तो अगर बुलिश साइड पर अगर हम देखते हैं तो इधर से एक्चुअली आपको बताता हूँ ट्रेंड कैसे। देखो ये इधर जब था और ये इतना इधर फॉल होना शुरू हुआ तो ये चीज़ को हम डाउन ट्रेंड नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन जब इतने चार्ट बन गए तब अब हमें पता है कि ओके ये अभी साइडवेज में है, कोई इसमें खास ट्रेंड नहीं है, तो अब ये साइडवेज में तब पता चलता है। तो यहाँ तक आप इसको कोई सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, अब यहाँ से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है और इसमें एक नेगेटिव क्रॉसओवर भी इधर है, तो इधर से आप देखोगे तो इसने नेगेटिव क्रॉसओवर बना लिया। तो ये इतना पीरियड पहले बाइंग का था और फिर ये इतना पीरियड सेलिंग का था,
तो ये आप सेलिंग काम क्यों कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इतने चार्ट बन गए तो अब हमें पता है कि ये साइडवेज में इसका स्ट्रक्चर, तो हम दोनों साइड का काम कर सकते हैं साइडवेज में। अब आ जाते हैं डेली के चार्ट पे, तो जो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, वापस कंफ्यूज कर दिया। तो मंथली के चार्ट में ये जो अप ट्रेंड था और फिर डाउन ट्रेंड था, तो अप ट्रेंड में खाली बाइंग की अपॉर्चुनिटी और डाउन ट्रेंड में खाली सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब डेली के चार्ट पे, ये मंथली का चार्ट देख लिया, अब हम डेली के चार्ट पे आ जाते हैं। ओके, तो इधर आप आके देखोगे गाइस, तो ये वो अप ट्रेंड का पीरियड था। तो इस अप ट्रेंड के पीरियड में अब नीचे एमएसडी इंडिकेटर में अगर हम देखते हैं आके, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक इधर क्रॉसओवर मिला था, जो कि नीचे जाके, क्योंकि स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये एक स्टॉप लॉस हो गया, और फिर वापस उसके बाजू में से दूसरा एक अपॉर्चुनिटी मिली और ये स्विंग लो के नीचे कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और धीरे धीरे ऊपर गया। इधर एक अपॉर्चुनिटी मिली, ये भी ऊपर गया वापस, फिर इधर एक अपॉर्चुनिटी मिली, ये भी यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस इधर एक अपॉर्चुनिटी मिली, ये यहाँ से नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ये पूरे सिनेरियो में क्या हुआ, ये दो इधर स्टॉप लॉस हुए टोटल, और जो प्रॉफिट हुए वो ये एक, ये दो, ये तीन, तो आपको 3 out of 5, मतलब आपको जो 60-65% का विन रेट रखना है वो तो इजीली मिल गया। तो ये अप ट्रेंड का पूरा फेस था, इसमें आपको एज इस तरीके से मिल गया। अब ये डाउन ट्रेंड का जो फेस था, इसमें हम शॉर्ट सेलिंग के बारे में ही सोचेंगे, बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। तो आप देखोगे तो इधर एक ये क्रॉसओवर था, इधर से नीचे आया। ओके, ये एक विन रेट था हमारे लिए, ये भी एक्चुअली विन रेट कंसिडर कर सकते हैं, पर ये जीरो लाइन के नीचे, इसलिए हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। चलो, जीरो लाइन के ऊपर ये एक ट्रेड प्रॉपर मिला, इधर से ये वापस से नीचे आया, फिर इधर ये जीरो लाइन के ऊपर से क्रॉसओवर मिला बट देन स्टॉप लॉस हो गया, दोबारा इधर से क्रॉसओवर मिला, ये नीचे आया, और ये भी जीरो लाइन के थोड़ा ऊपर से ही मिला ऐसा बोलेंगे, और ये भी नीचे आया, या शायद एक्चुअली ये बहुत बड़ी कैंडल है और क्रॉसओवर ये कैंडल पे हुआ था, तो भी उसके बाद नीचे आया, पर ये इतनी बड़ी कैंडल हो गई तो आप शायद रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड ही नहीं लेना पसंद करोगे। तो इसको हम अगर इग्नोर भी कर देते हैं तो भी इसके अंदर आप देखोगे तो ये 1, ये 2, फिर ये एक स्टॉप लॉस था और ये 3, तो ये चार ट्रेड में से भी 3 ट्रेड आपके सक्सेसफुल थे, तो ये भी वापस 75% का विन रेट आपको मिल गया। तो इस तरीके से आप मल्टी टाइम फ्रेम यूज करके भी इंडिकेटर्स के अंदर से अपना एज जो है निकाल सकते हो गाइस। सो द ट्रेडिंग की जो आपको मैं बात समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, इट्स ऑल अबाउट द एज। अगर आपको एज मिल गया प्रॉपरली, अगर आपको एक एज मिल जाता है तो उसको आप कंसिस्टेंसी से फॉलो करते रहते हो तो आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं। जैसे मेरा PNL भी मैंने आपको दिखाया, तो आप देखोगे तो आप जाके वापस रिवाइंड करके भी देख सकते हो, तो उसमें जो मेरे प्रॉफिट्स थे वो कभी ऐसा नहीं था कि 10 लाख 12 लाख एक दो ट्रेड में ही आ गए और फिर सब टाइम पास ही चलता रहा। कंसिस्टेंटली छोटे 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 प्रॉफिट्स और छोटे बड़े मिक्स हो, कंसिस्टेंटली वो ऊपर गया है ग्राफ, तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हुआ। लॉसेस भी कोई ऐसे नहीं है कि एक लॉस इतना बड़ा और फिर सब छोटे छोटे लॉसेस, सब लॉसेस भी अप्रॉक्सीमेटली आजू बाजू के धीरे धीरे कंसिस्टेंटली लॉस होते हैं, प्रॉफिट कंसिस्टेंटली होता है, और ये पूरा एक सिस्टमेटिक वे में आप जब फॉलो करते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है, धीरे 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 पैसे बन जाते हैं। सो दिस इज ट्रेडिंग अबाउट। ट्रेडिंग में आपको खाली एक अपना एज ढूंढना होता है गाइज, और उसके बाद इट्स वेरी इजी टू मेक मनी, बट देन ये एज की बात जो नहीं समझते हैं तो वो फिर वो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हो जाते हैं और गैम्बलर्स हो जाते हैं, और लॉसेस इसलिए ही होता है क्योंकि एज एक्चुअली आपके पास नहीं है। तो जैसे आप यहाँ से बाय करते हो तो कोई तो सेल कर रहा है, तो वो सेलर के पास एज चला गया, तो आप क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है दोस्तों, इट्स काइंड ऑफ वन सम गेम, एक का लॉस होता है तो दूसरे का प्रॉफिट होता है। तो हम ऐसा अगर बोलते हैं कि 90% लोगों का लॉस होता है तो प्रॉफिट बाकी कितने परसेंट है, 10% है, उन लोग का ही होता है क्या? तो ऑफकोर्स वो उन लोग का होता है, इसके लिए क्योंकि वो अपना एक एज ढूंढ लेते हैं मार्केट में और वो एज पे काम करते रहते हैं, और दूसरे लोग रैंडमली गैम्बलिंग करते रहते हैं, कुछ भी रैंडम ट्रेडिंग करते रहते हैं। सो गाइस, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करना है, अपना एज ढूंढना है और उसके बाद अच्छे से उसको फॉलो करना है एक कंसिस्टेंट वे में। ड्रॉडाउंस भी उसमें बीच बीच में आएंगे, जो ये स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं उसको ड्रॉडाउंस बोलते हैं, तो उससे डरना नहीं होता है। और एक्चुअली जब भी आप स्टार्ट करते हो, छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो। साइकोलॉजी की आपको मैं बात बोलूँ दोस्तों, तो साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ, बाबा वाले मुहावरे भी सुना सकता हूँ, बहुत कुछ है अंदर। साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करना इतना सिंपल एक बार में मैं नहीं समझा सकता, पर एक चीज़ मैं साइकोलॉजी के बारे में बहुत सिंपल तरीके से समझाने की ट्राई करूँगा। आपने एक बार एक ट्रेड ले लिया तो कुछ एनालिसिस करके सोच समझ के ही लिया होगा, अब वो ट्रेड डायरेक्ट आपके लेते ही आपके डायरेक्शन में जाएगा और प्रॉफिट टच करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस ट्रेड को पेशेंटली जब तक आपका स्टॉप लॉस टारगेट नहीं होता है वहां तक वेट करना होता है, और तब तक हर मूवमेंट को इग्नोर करना होता है, एक दो कैंडल ऊपर एक दो कैंडल नीचे देख देख के, वो एक एक मिनट की कैंडल देख देख के, जो सब बिना मतलब अपना लॉसेस उसमें भी लोग करवाते हैं, कितनी बार फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि मेरा ट्रेड सही था, मैं प्रॉफिट मेरा होने वाला था पर मैं छोटे लॉस में निकल गया।
वो छोटे छोटे लॉसेस खाली खाली अक्यूमुलेट करते रहते हैं और प्रॉफिट जब आ रहा होता है तब अपने टारगेट तक भी वेट नहीं कर पाते, उससे पहले ही वो एग्जिट कर लेते हैं बहुत ही छोटे प्रॉफिट से। तो वो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। जब आप एक ट्रेड ले लेते हो तो ट्रेड के साथ एक कमिटमेंट कर लो, उसके साथ बने रहो, क्योंकि आपने ट्रेड लिया है तो आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो ही आपको डर लगेगा, अगर किया होगा तो आपको डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप 1% कैपिटल पर ट्रेड अगर रिस्क करते हो तो दैट इज़ वेरी मिनिमम। उसना अगर उतना लॉस भी होगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ जाना चाहिए, और उस तरीके से ट्रेड किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, रिसेंटली लास्ट टू लास्ट वीक मैंने निफ्टी का एक ट्रेड लिया था और ट्रेड लेते ही 50 पॉइंट्स का तुरंत 25 मिनट के अंदर क्रैश आ गया, और जहाँ से लिया वहाँ से खाली 5 पॉइंट ऊपर गया था, वहाँ से 50 पॉइंट नीचे आ गया था और मार्केट क्लोज होने वाला था, ऑलमोस्ट 325 हो गए थे। तो मैंने भी उस वक्त वो ट्रेड को एग्जिट नहीं किया, वो साइकोलॉजिकली उस वक्त मुझे भी ऐसा लग रहा था। जब आप जो साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है वो एक ही बार हो सकती है, ट्रेड लेने के बाद ही डिस्टर्ब होती है मैक्सिमम, और उसी वक्त आपको अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल करनी होती है। ट्रेड ले लिया स्टॉप लॉस लो या टारगेट लो तो ही मजा आएगा। ये इतना फिक्स कर लोगे तो मैक्सिमम आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। सो क्योंकि साइकोलॉजी इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि उसके बारे में तो यहाँ पे मैं 2 घंटे बातें कर सकता हूँ, तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, इससे ज़्यादा मैं बोर भी नहीं करना चाहूँगा आप लोग को। बट देन साइकोलॉजिकल ये पॉइंट आप अगर आप जो समझ गए हो देन इट इज़ मोर देन इनफ गाइस।